Hello students, welcome to all in Astra Defense Academy. I am your physics teacher and mentor. Students, आज हम रूबरू होंगे अग्निपथ स्कीम से, सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये आप सभी लोगों को पता है। और यह योजना सभी युवाओं को इसी दिशा में एक और स्टेप, एक और कदम आगे ले जाएगी। अगर आपका सपना है सशस्त्र सेवा ज्वाइन करने का या फिर देश की सेवा करने का, तो बेटा यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आइए। आइए इस स्कीम के बारे में थोड़ा जानते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी ये कंफ्यूजन है कि सिर्फ 4 साल का जॉब होगा और उसके बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, पर इसके पीछे क्या चीज छिपी हुई है, कितना सुनहरा अवसर आपके लिए छुपा हुआ है, उसके बारे में अभी किसी को आइडिया नहीं है। स्टूडेंट्स इस चीज के लिए अभी अवेयर नहीं है, इसे अपनाना नहीं चाहते इस स्कीम को। बेटा ये बहुत फायदेमंद होने वाली है, ये रोजगार के अवसर बहुत सारे पैदा करने वाली है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए, आप मान के चलिए कि 12th पास आप करते हो, उसके बाद कोई ना कोई ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो, घर से पैसा लेके आते हो, बेटा इन्वेस्ट करते हो, क्या कोई कॉलेज या कोई डिग्री आपको गारंटी देती है कि आप 4 साल या 3 साल का कोर्स करने के बाद आप जॉब में लग जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी, कोई गारंटी है? अगर घर का आप 10 से 15 लाख रुपया खर्च करके कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या उसने ये गारंटी दी कि आपको जॉब लग जाएगी? फिर आपका सपना कैसे पूरा होगा, फिर आगे आपका फ्यूचर कैसे होगा? बेटा इसी चीज को अगर आप अग्निपथ योजना के तहत देखें, आपको ये मौका 10th पास और 12th पास से ही मिल रहा है। और आपको पता है कि योजना 4 साल की नहीं है, इसमें 25% जो सीट है वो परमानेंट होने वाली है। बेटा जो 75% बच्चे हैं उन्हें 4 साल में बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। मान के चलिए एज इट इज, ऐसे देखिए आप 4 साल का कोर्स कर ले जा रहे हैं, जैसे एक तरफ मैं बीटेक वाले स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक तरफ इस अग्निपथ योजना के योजना का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, और आप अगर ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद कैसा फ्यूचर होगा? ना गारंटी इसमें है, इसमें तो 100% गारंटी मिल रही है हर चीज की। बेटा देखिए, मान के चलिए आपने 4 साल बीटेक किया, उसके बाद क्या सिक्योरिटी है आपको जॉब मिल जाएगी? बट इसमें सिक्योरिटी है जॉब मिलने की, और देखिए 4 साल में आपको इतना अनुशासित कर दिया जाएगा बेटा, जो आप भटकते थे कि आपके पास कोई काम नहीं है, उसके बाद आपके पास एक एम होगा 4 साल के बाद, अगर आप 4 साल बाद आ जाते हैं उन्हीं में से 25% परमानेंट हो जाएंगे उनके लिए, और आगे अवसर मिलेगा सेना के, सेना में सेवा करने का। बेटा इस योजना से देखिए देश को भी फायदा होगा और युद्ध को भी फायदा होगा। देश को फायदा होगा कि बदलती हुई परिस्थितियों में युद्ध कैसे लड़ा जाए, बेटा उसमें भी फायदा होने वाला है, और देश के युवा को अनुशासित कैसे दिया जाए उसमें भी फायदा होने वाला है। तो मान के चलिए कि एक बच्चा आपके साथ ग्रेजुएशन कर रहा है और आप अग्निपथ स्कीम के थ्रू रिक्रूट हो चुके हो। बेटा देखिए गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बनाया है इसके अंदर, 4 साल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हो तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, और बेटा बाकी आपका फंड कटेगा। जब लास्ट तक आप 4 साल सर्विस करते जाओगे, हर साल ये फंड बढ़ता जाएगा, लास्ट में आपका जो फंड है वो कलेक्ट हो जाता है समथिंग 5 लाख, और उसका डबल आपको गवर्नमेंट देगी, मीन्स 10 लाख रूपये। और उसके अलावा आपको बेटा इनहैंड सैलरी भी कम से कम 10 लाख रूपये हो जाती है। तो आप जब 4 साल के बाद आओगे तो आप कम से कम 20 से 22 लाख रुपए के मालिक होने वाले हैं, और उसके साथ बेटा एक डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी, एक पूरा रेगुलर शेड्यूल मिलेगा आपके लाइफ में, और देखिए उसके बाद आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा, और आप बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन कर सकते हो। और आपको पता है कि जैसे हरियाणा सरकार ने एक स्टेप कदम दिया है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो अग्निपथ योजना से आएंगे। अभी ये लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट आया है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है हरियाणा सरकार ने, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा सरकार ऐसा कर रही है, हर स्टेट की सरकार ये करना चाहती है। उन्हें एक ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो सभी मायने से, आप कह सकते हो सभी मायनों में बेटा एक तरीके से डिसिप्लिन, हर तरीके से काम को अच्छे से करे, क्लियर है? अब देखिए एक तरफ आपने 4 साल बीटेक में इन्वेस्ट किए या किसी और ग्रेजुएशन में इन्वेस्ट किए, एक तरफ 4 साल इसमें इन्वेस्ट किए, आपका फायदा है या नुकसान? बीटेक में आपने घर से लेकर 15 लाख रुपए दिए, और वहां गवर्नमेंट ने आपको 4 साल की सर्विस में 20 से 22 लाख रुपए दिए,
देखिए वहां से आप घर से लेके आए और बीटेक में आपको मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल ही दे रहा हूँ, सिर्फ बीटेक ही नहीं हर ग्रेजुएशन का ऐसा हाल है, बीटेक तो बेस्ट है अगर आपके उसके थ्रू जाते हो बेटा, आपको अच्छी जॉब मिलती है, पर क्या गारंटी है 100% बच्चे अच्छी जॉब पाते हैं? आपको बता देता हूँ इंडिया में 95% बच्चे ग्रेजुएशन मीन्स बीटेक के बाद भी बेरोजगार होते हैं और बेटा 10,000 रुपए में जॉब करते हुए बोलते हैं। पर आपके पास खुद का बहुत कुछ होगा इस योजना में, 22 से 23 लाख रुपए आपके हाथ में होंगे, आप पूरा डिसिप्लिन होंगे, आपको पता होगा आपका माइंड सेट होगा कि आप किस डायरेक्शन में अच्छे तरीके से जा सकते हो, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। बेटा अगर हम दोनों को कंपेयर करें ना, ग्रेजुएशन वाली डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को, मुझे इस डायरेक्शन में ज्यादा फायदा दिखता है युवाओं के लिए। मान लीजिए कुछ युवा या कुछ इस चीज में कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे या फिर हमें इससे क्या फायदा मिलने वाला है। एक बात मान के चलिए वहां पर आप जॉब करेंगे, इधर 10,000 की जॉब करेंगे, इधर भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा, उसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो और कंपनी आपको प्रायोरिटी देगी। सीधी सी बात, एक नॉर्मल बंदा और एक आप, दोनों में बहुत डिफरेंस होने वाला है बेटा। आप कंप्लीटली डिसिप्लिन होंगे और वो डिसिप्लिन नहीं होगा आपके लेवल का, तो आपको प्रायोरिटी हर जॉब में ज्यादा दी जाएगी। आपके पास पहले से ही फंडिंग है 15 से 20 लाख रुपए की, उनके पास 0 फंडिंग है। हाँ, लोग कहते हैं कि बढ़िया ग्रेजुएशन करने के बाद पैकेज लगता है आपको, क्या सभी का लग जाता है? 5 से 10% बच्चे इस कामयाबी को हासिल कर पाते, नहीं तो बाकी के बच्चे भी बेरोजगार रहते हैं। अब देखिए इसमें और भी फायदे हैं, जैसे पहले रिक्रूटमेंट होता था, पहले जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें डायरेक्ट बस जितनी भी आपकी वैकेंसी आती थी उनमें रिक्रूट कर लिया जाता था, उन्हीं को परमानेंट कर दिया जाता था। बाकी मान लीजिए 100 बच्चों ने अप्लाई किया, पहले 25 वैकेंसी निकली थी, 100 में से 25 सिलेक्ट हो गए, बाकी 75 बाहर निकले, फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उनकी एज लिमिट खत्म हो जाती है, फिर यूपी पुलिस एसएससी। बेटा आप लोगों को पता है कि इन जॉबों में कोई भी आपका फ्यूचर नहीं है आगे, आपको पता है कि कितना अच्छे से सफल होते हैं ये जॉब, या फिर हर बच्चा सफल हो जाता है इसके बाद, उसमें भी रेशियो 5% का होता है। अब मान के चलिए अगर ये योजना लाए है तो इन्होंने वैकेंसी भी तो बढ़ाई है बेटा, अगर आप 25% परमानेंट हो जाएंगे तो बाकी बच्चे को 4 साल में फायदा भी तो उठा रहे हैं, नहीं तो वो पहले जो योजना चलती थी उसमें जो बच्चे थे वो तो घर ही बैठ रहे थे। घर बैठने से तो बेटा इसमें ये फायदा कि आप 4 साल सर्विस करें, देखिए एक तो बहुत आपको डबल फायदा इसमें होने वाला है, सैलरी तो मिलेगी ही, देश की सेवा करने का भी मौका मिलेगा, बट आप वो फील करोगे, एक एडवेंचर लाइफ फील करोगे 4 साल में, जो कि आप नॉर्मल लाइफ में फील नहीं कर सकते। 4 साल में सेना में आप वो चीज देखोगे जो आप नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं देख सकते। एक बार लाइफ मिली है, 4 साल सर्व करके देखिए, और जो बच्चा मेहनत करेगा वो परमानेंट भी हो जाएगा। जिसे ज्यादा ही उम्मीद है कि मुझे डिफेंस सर्विसेज की करना है लाइफ टाइम, तो बेटा आपको कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ेगा, सीधी सी बात, तो वहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। आप मेरिट में अच्छे नंबर लाइए, मार्क्स लाइए, तो आपको 25% में कंसीडर किया जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा, कॉम्पिटिशन किस जगह में है, हर डिपार्टमेंट में कॉम्पिटिशन है। अगर आप बाहर देखें, चलिए अग्निपथ योजना के अंदर आप चलेंगे, उसमें कॉम्पिटिशन आपका कम हो जाएगा, 4 स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट परमानेंट होगा, आपका कॉम्पिटिशन 4 स्टूडेंट मीन 3 स्टूडेंटों से है। अगर आप 3 स्टूडेंट को ओवरकम करेंगे तो आप परमानेंट हो सकते हैं, अगर बाहर देखें तो आप लाखों स्टूडेंट से कम्पीट कर रहे हो। अगर आप इस योजना को स्वीकार नहीं कर रहे हो मीन्स आप अपने लक्ष्य से भाग रहे हो, आप डर रहे हो कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपने कम्फर्ट जोन को चाहते हो, आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कुछ मिलता है। बेटा कंफर्ट जोन में जब तक रहोगे जब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते, ये योजना आपके लिए बेस्ट है, बहुत सारे सपने लेके आ रही है युवाओं के लिए। जो युवा इसके बारे में जानता है वो बहुत खुश है, और जो नहीं जानता है बस वो एक ही रट लगाए बैठा है कि ये स्कीम बेकार है, 4 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, 4 साल बाद आप एक अलग ही इंसान निकल के वहां से निकलोगे, आपके पास बहुत कुछ होगा। आपको कंपेयर करें और एक नॉर्मल बंदे को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। आपके पास पाने के लिए आगे लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है बेटा, एज कंपेयर टू नॉर्मल। अब आप लोगों को पता ही है इस योजना में क्या क्या होने वाला है, 4 साल में कितनी फंडिंग मिलने वाली है। बेटा डिफेंस के लिए एस्टा डिफेंस अकेडमी इसी योजना के लिए, अभी आपको पता है कि 24 को एग्जाम होने वाला है, 1 महीने का वक्त है,
हमने एक बैच लॉन्च किया है 15 डेज का बेटा, 100% टारगेटेड बैच है कि इस योजना के तहत आपको रिक्रूट कराया जाए। 15 दिन का बैच है, अच्छे से रिवीजन होगा, शॉर्ट टर्म में रिवीजन होगा। आपको पता है कि डिफेंस सर्विसेज के जो एग्जाम आते हैं उनमें सिलेबस कोई बड़ा नहीं होता। अगर आप दिल से स्टडी करें, मन से स्टडी करें, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करें, तो आप 100% सफल हो सकते हो। 15 से 20 दिन में हमारी टीम ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बेटा तैयार किए हैं। अगर आप एक बार उनको लगाते हैं तो 100% आपको इस योजना में रिक्रूटमेंट होने का फायदा मिलेगा, अच्छे से रिक्रूट हो पाओगे बेटा। ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है किसी भी डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना, क्योंकि ये एग्जाम बहुत सिंपल आता है, लोअर लेवल का आता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से, बस आपको यहाँ पर अपने आप को रिवीजन करना है। अपने आप जब यहाँ पर आप आएंगे तो रिवीजन होगा बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे और वही क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपको पता है आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा तो है नहीं कि हर बार कोई नया होना है, कुछ नहीं होता। एक बार आप जो पढ़ लिए वो 100% आपके माइंड में छप जाता है और वहीं से चीजें निकल के आती है। कितना भी बड़ा एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम की बात करूँ तो लोअर लेवल का एग्जाम होता है। तो बेटा हमारी एस्ट्रा डिफेंस अकेडमी की टीम ने बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है जो 15 डेज का टारगेटेड बैच है। 24 तक आपको ऐसा लगेगा कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया। जब आप किसी भी एग्जाम को देखो, जैसे 24 को जो एग्जाम हो रहा है बेटा, उसमें तीनों सेनाओं में रिक्रूटमेंट हो रहा है। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैंने फिजिक्स की बहुत अच्छी क्वेश्चन सीरीज तैयार की है। जैसे मैथमेटिक्स वाले सर, उन्होंने मैथमेटिक्स की एक अच्छी सीरीज तैयार की है। हर टीचर ने अपना अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है। तो बेटा प्लीज ज्वाइन अस फॉर योर श्योर सिलेक्शन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर जो डिटेल नीचे दी गई है बेटा, उन पर संपर्क करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। आपके लिए देखिए सुनहरा मौका होने वाला है, अपने हाथ से ना जाने। थैंक यू सो मच।